लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साजेन उस इविल स्पिरिट वाली लड़की को मारने वाला था, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का वो ओल्ड मैन उस जगह पे आ जाता है और फिर वो ओल्ड मैन साजेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस लड़की को जाने दे, क्योंकि ये लड़की बस उन्हीं लोगों को मारती थी जो कि वाकई में बुरे थे। और अब साजेन भी उस ओल्ड मैन की बातों को मानते हुए उस लड़की को छोड़ देता है। और फिर साजेन उस ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन, मैं दरअसल ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार डिवाइन रियलम के कल्टीवेटर्स की पावर कितनी ज्यादा होती है। और फिर साजेन उस ओल्ड मैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से इस ओल्ड मैन के अंदर जरूर कोई इंटरनल इंजरी हुआ है जिसकी वजह से इसकी कल्टीवेशन रुक गई है। और अब साजेन की बात सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है चलो तुम ही पहले ट्राई करो, जिस पर साजेन कहता है कि ठीक है मैं अपने पहले अटैक को ट्राई करता हूँ। और अब इतना कहते ही साजेन अपने पहले मूव से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है और अब वो ओल्ड मैन साजेन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए साजेन के अटैक को स्लिप कर देता है। और अब साजेन अपने फिजिकल किक का यूज करता है और इस बार भी ओल्ड मैन साजेन के अटैक को डॉज करता हुआ अपने आप को एक शील्ड बना के बचा लेता है। और अब ये देखकर साजेन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन ने मेरे फिजिकल किक और फिस्ट को बस अपने दो सिंपल मूव से ही रोक लिया, और अगर मैं अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्र का यूज ना करूं तो इससे मुझे पता चल गया कि मैं एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर को हर्ट नहीं कर सकता हूं। और अब साजेन हंसते हुए कहता है कि ओल्ड मैन आप तो सच में छुपे रुस्तम निकले, आपने इस बात को साबित कर दिया कि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेटर होता ही है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मेरे ख्याल से अब मेरी बारी है, जिस पर साजेन भी कहता है कि मैं तैयार हूं। और अब वो ओल्ड मैन अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिव करते हुए अपने ताइजी पाल वाले अटैक को साजेन के ऊपर कर देता है और इस अटैक से साजेन अपने बिना किसी मूव को यूज किए इस अटैक के सामने खड़ा नहीं हो पाता है। और अब वो ओल्ड मैन अपनी पावर से साजेन को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साजेन वापस आ जाता है और फिर वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि आपने अपनी पावर्स को तो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया है। और फिर वो ओल्ड मैन साजेन से पूछता है कि क्या तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो, जिस पर साजेन कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और यही वजह है कि मैं आपके अटैक से बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। और अब साजेन की बातें सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, जिस पर साजेन कहता है कि आप स्ट्रॉन्गर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके बॉडी में मौजूद मेरिडियंस आपकी इंटरनल इंजरी के कारण बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाए तो आपके पास जो बेसिक कल्टीवेशन मौजूद है उसकी हेल्प से आप एक महीने के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगे कि आजकल के डिवाइन रियलम के कल्टीवेटर तो आपके सामने बच्चे होंगे। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो साजेन से पूछता है कि तुम्हें मेरे इंटरनल इंजरी के बारे में पहले से पता था, जिस पर साजेन कहता है कि मैं आपकी बॉडी के कंडीशन को देख के बता सकता हूँ कि आपके बॉडी में मौजूद मेरिडियंस बहुत ही सालों से घायल है, लेकिन मैं कुछ हर्ब्स को जानता हूँ जिसका इस्तेमाल करके मैं आपकी बॉडी को दोबारा हील कर सकता हूँ। और अब साजेन की बात सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि यंग मैन क्या तुम सच में सीरियस हो, जिस पर साजेन कहता है कि मैं किसी को झूठी उम्मीदें नहीं देता। और अब इतना सुनते ही वो ओल्ड मैन साजेन के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और फिर कहता है कि यंग मैन अगर तुमने मेरी बॉडी को दोबारा रिकवर कर दिया तो मैं लाव जाओ अपनी बाकी बची जिंदगी आपके लिए सर्व किया करूंगा, जिस पर साजेन कहता है कि ठीक है लेकिन सबसे पहले तुम्हें मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। और अब मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुन के वो ओल्ड मैन थोड़ा शॉक हो जाता है, जिस पर साजेन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो ये अब मेरी जिम्मेवारी होगी कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में हील करूं। और अब ये सुनकर वो ओल्ड मैन भी डील कहता है, जिसके बाद साजेन उसके साथ अपना मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और फिर साजेन का थ्योरी उस ओल्ड मैन के स्प्रिट को देख के सोच रहा था कि ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और समय आने पे ये जरूर मेरी हेल्प करेगा। और अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही उस ओल्ड आदमी को भी पता चल जाता है कि साजेन कोई आम लड़का नहीं है। और अब साजेन उस लेडी से पूछता है कि मोहतरमा आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करेंगी या फिर मरना, जिस पर वो लेडी भी कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करूंगी और अब साजेन उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। और अब ओल्ड मैन कहता है कि यंग मैन ये लड़की बुरी नहीं है, अगर आप इसे एक मेंटर की तरह गाइड करेंगे तो ये लड़की जरूर अपनी लाइफ में एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगी। और अब उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद साजेन उस लड़की से कहता है कि अब जब तुमने मेरे साथ मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो अब मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करना होगा। और फिर साजेन कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे पास एक स्किल है जिसे तुम सीख सकती हो और मुझे अभी भी याद है कि वो स्किल स्पेशली वुमेन के लिए थी। और फिर साजेन सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से गॉडेस मंत्रा ही इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। और इतना कहते ही साजेन उस स्किल को इस लेडी को दे देता है। और अब इस स्किल को पा लेने के बाद वो लड़की कहती है कि क्या ये स्किल अर्थ लेवल की 9th क्लास की स्किल है, जिस पर साजेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास यही एक स्किल मौजूद था जो कि वुमेन के लिए था, लेकिन तुम टेंशन मत लो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए और भी स्किल लिख दूंगा। और अब इतना सुनते ही वो लड़की सीधे साजेन के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये देखकर कि साजेन इजीली एक 9th क्लास की स्किल को प्रोवाइड कर सकता है, इसे देखकर ओल्ड मैन को पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाता है कि साजेन एक नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। और अब साजेन कहता है कि रात बहुत हो चुकी है इसीलिए मेरे ख्याल से आप सभी को रेस्ट करना चाहिए और आगे क्या करना है उसे हम कल सुबह डिसाइड करेंगे, जिस पर ये लड़की जिसका नाम चीमी है ये साजेन से पूछती है कि मास्टर क्या आप किंग्स रीजन जा रहे हैं, जिस पर साजेन कहता है कि हाँ मैं जिनवर लमिलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने वाला हूँ, जिस पर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि यंग मैन आपके पास जो स्किल और पावर्स मौजूद है मुझे नहीं लगता कि उस चैंपियनशिप में आपके सामने कोई खड़ा भी हो पाएगा, जिस पर साजेन भी अपने फुल एटीट्यूड में कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उस चैंपियनशिप में कोई भी ऐसा वर्दी फाइटर नहीं होगा जो कि मेरे टक्कर का हो। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है कि जो भी बोलो
पावर्स के साथ इसके अंदर एटीट्यूड भी कूट कूट के भरा है। और अब सावचन कहता है कि हम लोग लेट हो रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी अब चलना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और वो लड़की, ओल्ड मैन और सावचन अभी भी चल रहे होते हैं। और फिर वो ओल्ड मैन सावचन से पूछता है कि मास्टर, फ्यूचर रीजन तो अभी भी बहुत दूर है, तो फिर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? जिस पर सावचन कहता है कि मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मैं आज से पहले कभी फ्यूचर रीजन नहीं गया हूँ, इसीलिए कॉम्पिटिशन में कहीं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए घर से बहुत ही जल्दी निकल गया था। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर, हमारे रास्ते में एक सिटी पड़ेगी और उस सिटी में मेरा एक ओल्ड फ्रेंड रहता है, और अगर आपको कोई जल्दी ना हो तो क्या हम उससे मिल सकते हैं? क्योंकि मेरा फ्रेंड मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। जिस पर सावचन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो भी हमारे काम आ सकता है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मास्टर, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं उसके वियर्ड पर्सनैलिटी को छोड़ के बात करूँ तो उसके पास ऐसी ऐसी स्किल मौजूद है जो एक मामूली इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। जिस पर सावचन कहता है कि मुझे उसके बारे में फुल डिटेल चाहिए। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं उसे पिछले 10 सालों से जानता हूँ, वो ट्रेजर्स की हंटिंग करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, और इस काम के पीछे वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि इस चीज के लिए उसने अपनी कल्टीवेशन को भी गिव अप कर दिया और उसने अपनी ट्रेजर हंटिंग स्टडी में अपना सारा ध्यान लगा दिया। और जब उसने इस काम में भी महारत हासिल कर ली तो फिर से उसने अपनी कल्टीवेशन को डे बाय डे इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी ट्रेजर हंटिंग स्किल कभी कभी स्टक हो जाती है। और मैं इस बात से काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाऊंगा अगर वो हमें सही सलामत मिल गया। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद सावचन कहता है कि एक ट्रेजर हंटिंग एक्सपर्ट ये हमारे काम आ सकता है, लेकिन ट्रेजर हंटिंग नेचर के सीक्रेट से भी कनेक्टेड है, और अगर उसने इन कामों को चतुराई से नहीं किया होगा तो इस काम के लिए नेचर उसे जरूर पनिश करेगा। और फिर सावचन कहता है कि लाओ जाओ, हम तुम्हारे फ्रेंड के पास जा रहे हैं। और ये कहकर वो लोग उस शहर की तरफ जाने लगते हैं। और अब उस शहर के मेन गेट के पास पहुँचने के बाद सावचन कहता है कि आखिरकार इस जगह पे इतनी भीड़ क्यों है। जिस पर चीमी बताती है कि यहाँ पर कुछ बड़े फैमिली के लोग रहते हैं जो उस इलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का रास्ता यहीं पे रोक रहे हैं ताकि वो उस चैंपियनशिप में भाग ना ले पाए। जिस पर वो ओल्ड आदमी कहता है कि आखिरकार इतनी गिरी हुई हरकत कौन सी फैमिली कर सकती है। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इसी मेन गेट से सिटी के अंदर जाएंगे, और अगर किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो फिर सिंपली उसे मार दो। जिस पर ओल्ड मैन और चिमी हंसते हुए कहते हैं कि हम लोग समझ गए। और अब हम देखते हैं कि उस गेट के ऊपर से सैनिक कह रहे होते हैं कि ये गेट बंद हो चुका है और अब किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए तुम सब लोग ये भीड़ खत्म करो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर एक आदमी पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और हम तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करें, तब वो ऊपर खड़ा सैनिक कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम भले कोई भी हो लेकिन यहाँ पे किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो सैनिक हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं जिंजाओ रीजन के आयरन ब्लड सेक्ट से हूँ। और अब आयरन ब्लड सेक्ट का नाम सुनते ही उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं और वो काफी ज्यादा डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। और अब आयरन ब्लड सेक्ट का नाम सुनते ही ओल्ड मैन भी कुछ सोचने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।